महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर दिल्ली से मुंबई तक बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। सरकार बनाने के इस गहमा गहमी के बीच शिवसेना लगातार सरकार बनाने का दावा कर रही है। हाल ही में शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बार फिर सरकार बनाने का दावा किया है। सामना में शिवसेना ने लिखा कि महाराष्ट्र में पिछले 21 दिनों से चल रही अस्थिरता जल्द ही खत्म होगी और राज्य में किसी भी पल सरकार बन सकती है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ मिलकर मजबूती और स्थित सरकार देंगे। इससे पहले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा था कि अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा और दिसंबर के पहले हफ्ते में सरकार बन जाएगी। शिवसेना के रणनीतिकार संजय राउत ने बुधवार को कहा कि जल्द ही गुड न्यूज़ मिलेगी। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज ने भी कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, कुछ बारीकियों को पूरा करने की ज़रूरत है। इसी बीच एनसीपी के नवाब मलिक ने कहा कि इन तीनों में से कोई भी एक पार्टी सरकार बना सकती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।